तो वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं व्हीकल्स 2.0। तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार सर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखो गाइस, फिलहाल के टाइम पे इंडिया के अंदर 125 सीसी सेगमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज चल रहा है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 4 125 सीसी बेस्ट बाइक्स के बारे में, के अंदर आपको लुक्स, पावर, फीचर्स और कम्फर्ट की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। तो देखो गाइस, वैसे तो यार हर बाइक अपने अपनी जगह पर बेस्ट होती है, पर यार हर किसी को एक ही बाइक तो पसंद नहीं आती ना। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं नंबर 4 से, जो कि आजकल के यूथ की सबसे ज्यादा फेवरेट बाइक बन चुकी है, जो कि टीवीएस की राइडर 125, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 124.5 सीसी की एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन। अगर पावर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको पावर एंड टॉर्क लगभग सेम मिल जाते हैं, जैसे की इस बाइक के अंदर आपको मिलती है 11 PS की पावर टू 11 Nm तक का टॉर्क। एडिशनल फीचर्स की अगर बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है एक फुल डिजिटल TFT मीटर कंसोल, वो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और राइडिंग मोड्स की अगर बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको इको एंड स्पोर्ट राइडिंग मोड मिल जाते हैं। और यार उसी के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ये तो इस बाइक के बारे में अच्छी बात है, अब इस बाइक के बारे में बुरी बातें भी सुन लो। इस बाइक के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे आप लोग इस बाइक के ऊपर 120 kg से ज्यादा वजन रख देते हो तो फिर ये बाइक नीचे जमीन में सटने लगेगी। तो अगर इस वाले बाइक के एक शोरूम प्राइस की बात करूं तो इस वाले बाइक की एक शोरूम प्राइस 1,03,000 से 1,20,000 तक। कुल मिलाकर इस बाइक के अंदर आपको लुक्स, पावर, फीचर्स, कम्फर्ट काफी चीजें सारी सही मिलते हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं 3 की तरफ, जो कि बजाज की पल्सर NS125। तो देखो फिलहाल के NS125 के अंदर न्यूली अपडेट्स आ चुके हैं, जिसके अंदर डिजिटल मीटर कंसोल एंड LED लाइट्स का सेटअप मिल चुका है। फिलहाल बजाज आपको इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर नहीं करता, और फिर भी राइडर 125 के मुकाबले ये वाली बाइक आपको काफी ज्यादा कम प्राइस पर मिल जाती है। क्योंकि यार जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर NS125 का ऑनरोड प्राइस 1,26,000 और राइडर तो 140 भी क्रॉस कर जाती है। देखो NS125 एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको सेगमेंट के हिसाब से लुक, पावर, फीचर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं। जैसे गाइस, तो क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि आखिर 125 सीसी के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक कौन सी है? अगर आंसर पता है तो कमेंट कर दो, और नहीं पता तो मैं कमेंट कर दूंगा। नंबर 2 पे रखा हमने ऑल न्यूली लॉन्च हीरो की एक्सट्रीम 125R को। इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं 124.7 सीसी की एयर कूल्ड इंजन। देखो एडिशनल फीचर्स की अगर बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है एक फुल डिजिटल मीटर कंसोल, जिसके अंदर कंपनी आपको काफी सारे फीचर्स ऑफर कर दी है। 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से कंपनी इस बाइक का माइलेज क्लेम करती है 66 किलोमीटर पर लीटर। यार ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो। यार फिर भी अप्रॉक्स 60 kmpl का माइलेज तो ये वाली बाइक आपको आसानी से दे देगी। यार इन सारी चीजों को बोलते बोलते हम इस बाइक की पावर से बताना भूल गए। तो इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं 11 PS की पावर टू 10 Nm तक का टॉर्क। इस बाइक के टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है IBS एंड दूसरा है ABS, जिनमें से IBS के एक शोरूम प्राइस है 94,000 एंड ABS मॉडल के एक शोरूम प्राइस है 99,000। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 1 पे रखा हमने होंडा की SP125 को। इस बाइक के अंदर आपको 123.4 सीसी की PGM-FI इंजन मिलती है, जो कि 10.8 PS की पावर टू 10.9 Nm तक का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो एडिशनल फीचर्स की अगर बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है एक फुल डिजिटल मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर एंड गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यार जहाँ तक बात रही इस वाले बाइक के लुक्स की, तो यार मैं भी ये बाइक को यूज करता हूँ तो ये वाली बाइक लुक्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और यार बहुत ही ज्यादा कम प्राइस के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छे लुक्स, पावर, फीचर चाहिए तो फिर आपके लिए SP125 सबसे ज्यादा बेस्ट बाइक है। यार इसके एक्शन प्राइस बस 90,000 से शुरू होती है। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।